हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज ये वाला ब्लॉग मैं 2024 की 2 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं 2024 की। आई होप सो आपका ये वाला साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, 2023 से, 22 से, 21 से, 20 से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल जाए आपका 2024। आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए आपके घर में, और जैसे 2023 गया, जैसे मेरे साथ 2023 गया वैसे ना जाए, मतलब कि क्योंकि 2023 में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको मैं कि क्या खोया क्या पाया। कम से कम 2-3 मंथ तो मेरे को हो गया है ब्लॉग डालने को। जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी तक कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है क्यों नहीं मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में उतार और चढ़ाव चले रहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैं मणिमहेश गया था। मणिमहेश जाने के बाद मैंने 1 मंथ जो मणिमहेश के ब्लॉग नहीं डाले थे, 1 मंथ के बाद कम से कम कोई मैंने ओनली बस 2 या 3 ब्लॉग डाले होंगे, वो भी मणिमहेश से रिलेटेड। उसके अलावा मतलब मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। उसका बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि जैसे मैं मणिमहेश से नीचे आया था तो मेरे को पता लगा कि ताया की डेथ हो गई। मेरे ताया थे, सगे ताया, तो ताया की डेथ के बाद फिर मैंने ताया के घर में रहा 15-20 दिन। उधर ही काम करवाता रहा। फिर आपको पता है कि गर्मी में ऐसा माहौल होता था, कहाँ से ब्लॉग अपलोड करने और कहाँ से डालने। तो फिर ऐसे पता नहीं मन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो मेरे पास ब्लॉग थे 2-3 बने, वो मैंने बना के डाल दिया एडिट वगैरह करके। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ना बनाया ना डाला। अभी कम से कम कोई 3 मंथ हो गया मैंने कोई मतलब ब्लॉग ना बनाया ना डाला। सितंबर में मैं गया था मणिमहेश, इसके बाद कुछ नहीं। फिर जैसे कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो मैंने ब्लॉग की अपने शुरुआत करी थी वो बंगलामुखी जो माता है हमारे बनखंडी, उधर से शुरुआत करी थी। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, और आज इधर इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ शुरुआत भी इधर से करी, और दोबारा से 2024 की शुरुआत मैं इधर से कर रहा हूँ अपने। ऐसे तो मैंने फर्स्ट जो है वो जनवरी को ब्लॉग डाल दिया था, लेकिन कुछ मतलब रीज़न की वजह से मैं नहीं डाल पाया। मैंने सोचा कि मंदिर जाऊँगा और उधर से अपना ब्लॉग बनाऊंगा और उधर से ही डालूंगा। फिर मार्च में मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे कि आपको पता है मैंने बुलेट लिया हुआ था। फिर बुलेट मेरा ख़राब हो गया मणिमहेश से आते आते, उसकी सारी वायरिंग सड़ गई, फिर उसका इंजन सील हो गया। इंजन सील क्या, हाफ इंजन सील हो गया, उसकी पिस्टन चली गई। जैसे कि आपको साथ साथ में वीडियो में मैं बताते चलूँगा कि देखो भी आप देख रहे होंगे वीडियो के बीच में किसका इंजन खुला हुआ है, इसका इंजन का काम हुआ है, पिस्टन निकल रही है, तो लगभग इसका खर्चा भी 9,000 आ गया। और अभी तक मैं भी आपको जो नदौन के बंदन को तो पता होगा कि हाँ मैंने शॉप भी कर रखी है, और जो बाहर से होंगे तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नदौन में खुद मतलब एक शॉप कर रखी है पोस्ट ऑफिस के पास। तो उस रीज़न की वजह से भी मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि मंथली वीकली मतलब एक वीक में एक ब्लॉग आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बनाया करूँगा। तो 9,000 बुलेट के ऊपर लग गया, और बुलेट की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले तो मैंने सारी जो वायरिंग थी पूरी निकाली, वो डलवाई। अगर आप अभी आपको जो है वीडियो के बीच में फ़ोटो भी बताता हूँ मैं कि कैसी वायरिंग की हालत हो गई थी, मतलब हर जगह टेप ही टेप लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ। फिर जैसे मैंने वायरिंग डलवाई, मैंने सोचा कि मैं जो सर्विस है 1 या 1.5 मंथ बाद करवाऊँगा, क्योंकि वायरिंग के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया था। फिर मैंने 1-1.5 मंथ जैसे ही मैं क्या बोलते सर्विस करवाने गया बुलेट की, तो उधर देखा तो भाई बुलेट का आधा इंजन सील हो गया, उसकी पिस्टन जो है वो जो पिस्टन बोर होता है वो सड़ गया है, जो पिस्टन के बीच में रिंग्स होते हैं वो चले गए हैं। तो मैं तो ये सोच रहा कि 1.5-2 हज़ार के बीच में सर्विस हो जाएगी, लेकिन खर्चा कम से कम भी 11-12 हज़ार आ गया। तो मतलब मैं सच बोलूँ तो एक तो मैंने नए नए काम शुरू करा, उधर इन्वेस्ट करा मैंने, ऊपर से बुलेट का खर्चा आ गया। मैंने सोचा कि आपको मैं किन्नौर की वादियों के बीच में घुमाऊंगा, मतलब मैंने हाइड करके रखा कि हाँ न्यूर के ऊपर आपको मैं अच्छा ब्लॉग दूंगा, मतलब वादियों के बीच में किन्नौर, कल्पा, काजा, फिर अपना रोगी हो गया, मैं सारे आपको ब्लॉग दिखाने। लेकिन इसकी वजह से फिर मैं अनफॉर्चुनेटली मैं किन्नौर नहीं जा पाया। फिर मैंने नदौन में अपना टाइम स्पेंड करा अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मैं सोचा कि हाँ बंगलामुखी जाऊँगा, फिर उधर आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगा। फिर ऐसे ऐसे ताया की डेथ हो गई, बुलेट का इंजन सील हो गया, वायरिंग सड़ गई, फिर गर्मी, मेरा दिल नहीं करता ब्लॉग बनाने का, कहीं जाने का दिल नहीं करता था, क्योंकि कहाँ से जाना, आपको पता है कि मैं ट्रैवलर बंदा हूँ, फिर जाया नहीं जाता है। आजकल सारे दोस्त भी बिजी रहते हैं, तो अभी सन्नी भाई मेरे वीडियो बना रहे हैं, तो
आज इन्होंने बोला कि हाँ चलो बंगलामुखी चलते हैं, माइंड भी फ्रेश होगा, वो टाइम हो गया गए हुए, क्योंकि ये भी कोई भी जो क्या बोलते हैं ये भी कोई मतलब न्यू ईयर के ऊपर गए नहीं थे, चलो बोला कि नया साल जो वो माता के जो वो चरणों से शुरू करते हैं। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अब कुछ नया करना चाहिए। सो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने नई शॉप खोली है नदवन में। अब मैं नाम बताऊँ तो आपको हंसी आएगी, मैंने जो मेरी शॉप है उसका नाम है काका फिश कॉर्नर। मैंने नॉनवेज की शॉप खोल ली है नियर पोस्ट ऑफिस, ज़रूर से उधर विजिट करना और ज़रूर से आना और मेरे हाथों का स्वाद ज़रूर से चखना। जैसे कि आपने मेरे फूड ब्लॉग्स भी देखे होंगे, आपको पता है कि मैं कितने अच्छे अच्छे जायके लगाता हूँ, कितने अच्छे अच्छे मैं जो वो आइटम्स बनाता हूँ, तो उधर आके भी आप ज़रूर से जो मेरा फूड ट्राई करना। और हाँ अगला ब्लॉग जो मेरा होगा वो मैं शॉप से रिलेटेड बनाऊँगा, उधर आपको मतलब मैं पूरा ही जो वो बताऊँगा कि मैं उधर क्या क्या बनाता हूँ और आपको खिलाऊंगा भी और बताऊंगा भी लोकेशन की कहाँ जैसे मेरी शॉप है। और मैं आप सन्नी भाई से आपकी बात करूँ, सन्नी भाई आप क्या चाहते हो फिर इस साल भाई 2023 देखे क्या तुम्हें मिसिंग कितना करना, क्या तुम्हें पाया क्या खोया 2023 मिसिंग क्या बड़े मिसिंग किया भाई, पाया भी बड़े कुछ पर जेड़ा पाना चाहते है नहीं मिलना ना, फिर भी 2023 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। 2023 है 2022 इलेक्शन भाई चाहिए ना, इलेक्शन भाई चाहिए 2022 सुखू भाई है, हमारे बड़े भाई सुखू भाई जी नदौन से, माननीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुखू जी जो सीएम बने, बड़े सौभाग्य वाले हैं जो हम कि हमारे भाई जो नदौन से जो जमीन जीरो लेवल से चले हुए थे, 2017 के बाद फिर वो जीते, 2017 में जीते, 2022 में जीते और 22 में सीधा माता बंगलामुखी ने उनको इतना आशीर्वाद दिया अपना, उनको इस लेवल तक पहुंचाया। अब 2024 में आप क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी कैसी हो, मतलब 2024 में हम चाहते हैं कि यारा मतलब क्या नया है, मतलब क्या चाहते हो कि हाँ मैं इस साल कर सकूँ ये वाली चीज। बस यारा अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जो मेहनत की है उसका फल मिल जाए, फल तो मिलना चाहिए, बस वो फल मिल जाए फिर नहीं हमें वो कोई नहीं, उसके बाद तो फिर जयकारा बंगलामुखी दा बोल सच्चे दरबार की जय। और हमारे बड़े भाई मानी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं ऐसी उपलब्धियों पर, नए साल की ढेर सारी की शुभकामनाएं, जय माता की। असले से हाय ब्रो, हेलो ब्रो, ये हाडा असला ना गया दा अंतरिक्ष अंतरिक्ष डोगरा असले, फिर तू के जाना 2024 च ओ क्या जानता 2024 है क्या भैया 2023 च होया है 2024 च ना हुआ है कंदेरा 2024 च होना है 2025 च ना हुआ है नहीं देख जेड़ा 2024 च होया है 2025 च ना हुआ है क्या बोल 26 च ना हुआ है। सो गाइस ये थी कहानी 2023 की, और हाँ मतलब कि अब मैं कोशिश करूंगा कि हाँ मैं ब्लॉग बनाऊं और ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार बहुत मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा ये जो वो 2023 गया, लेकिन हाँ जितना गंदा गया उतना मैं अपना बेस्ट जो है वो 2024 लेके आऊँगा। और हाँ आपका साहिल भाई फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा, कर तो रखी है लेकिन हाँ थोड़ा दम नहीं पड़ रहा था बनाने का, लेकिन अब हाँ इतने दिनों बाद वीडियो बनाई तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुकून मिल रहा है अंदर से। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप सो गाइस आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा और हाँ आपने मेरी जो सुनी और आप विश्वास रखोगे कि हाँ यार ऐसा हुआ है और सच्ची में हुआ यार, कुछ भी झूठ नहीं बोला। और वीक टू वीक या मंथली मैं तो सोच रहा हूँ वीक टू वीक मैं आपको एक या दो अपलोड ब्लॉग करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर आपको, और फिर से गाइस आपको हार्दिक शुभकामनाएँ 2024 की।